सो हेलो गाइस, आप देख रहे हो अपनी बहन चैनल को। आपको यहाँ पर बहन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है दरअसल मैडबन वर्सेस बहन जैरो। दोनों बहन को आप बहुत अच्छे तरीके जानते ही होंगे, और अगर इनमें कोई फाइट होती है तो कौन विनर होगा, और आपको जानना तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहिएगा। और अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट किस टॉपिक चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं पहले मैडबन की। तो मैडबन के अगर स्पीसीज की बात करें तो वो है दरअसल ह्यूमन, क्योंकि दरअसल ये इंसान है। अगर हम बात करें इसके होम वर्ल्ड की तो वो है अर्थ, और अर्थ में मैड डायमेंशन से ये है। अगर हम इसकी पावर एंड एबिलिटीज की बात करें तो ये इसके पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसकी मदद से ये किसी एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और उसको पावर वॉच के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो वीकनेस कुछ है तो नहीं, लेकिन इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और ये गुस्से में बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाता है। आपको ही पता हो गुस्से में कोई भी पावरफुल हो जाता है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई एनिमल। तो मैंने आपको इसकी पावर एंड एबिलिटीज और स्पीसीज, होम वर्ल्ड और वीकनेस बता दी हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी अभी हमने बात की थी मैडबन की, और अब हम बात करेंगे बहन जैरो, जो कि दरअसल उसके वर्सेस में था। तो दरअसल बहन जैरो कुछ ज़्यादा पावरफुल बहन तो है नहीं, लेकिन जब ये गुस्से में होता है तो कहीं कहीं बन जाता है। अगर इसके वर्ल्ड की बात की जाए तो वो भी अर्थ ही है, और अल्टरनेट टाइमलाइन से ये रिलेटेड है। अगर हम इसके स्पीसीज की बात करें तो इसकी स्पीसीज भी अनडेड वूमन है, समझ गए होंगे, अनडेड वूमन। और अगर हम इसके पावर एंड एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास एक पर्पल सा ओमनीट्रिक्स है जिसकी मदद से एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वीकनेस की बात करें तो ये ज़्यादा एक्टिव एलियन नहीं, एक्टिव बैंड नहीं है, सॉरी। आपको ही पता ही होगा ये एक्टिव बैंड कहाँ है, किसको इसमें कोई फुर्ती नहीं है, ये नॉर्मल सा ही बैंड। फ्रेंड्स, हर बार की तरह अब एक फैन मेड बैटल हो ही जाए, लेकिन उसमें मेरा वॉइस ही होगा, कोई अलग सॉन्ग नहीं होगा बैकग्राउंड में। तो मैडबन अब जा रहा है बनने क्या गोस्ट वीक, और अगर बहन जैरो बन रहा है फ्रैंकेनस्टाइन। अगर इनमें कौन विनर होगा, आप क्या सोचते हो? मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से होगा गोस्ट वीक, क्योंकि वो इनविजिबल होके इस पर अटैक कर सकता है, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक शॉक का उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्या आप क्या सोचते हो, कमेंट कर देना फ्रेंड्स अगर मैं गलत हूँ। तो अब मैडबन ने चुना अटोमिक्स और बहन जैरो ने हुमंगस। तो आपको अटोमिक से पावर तो पता ही होगी, ये दरअसल परिस्थितियों के हिसाब से गैस बनाता है, और हुमंगस तो केवल फाइट करता है, आपको ही पता है। तो इसमें भी मैडबन जीतेगा। चलिए तीसरे राउंड पे चलते हैं। तो अब मैडबन बनता है क्लॉकवर्क और बहन जैरो बनता है विविक। तो अब इसमें साइज का लड़ाई नहीं है फ्रेंड्स, दरअसल क्लॉकवर्क टाइम ट्रेवल भी तो कर सकता है ना, बस विविक मतलब अपने हाथ पर फेंक सकता है, मतलब लड़ाई कर सकता है और कुछ नहीं, लेकिन क्लॉकवर्क उससे टाइम ट्रेवल के उससे हरा देगा। चलिए हम चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ। तो मैडबन अब चुनता है डायमंड हेड। ओ वाह, बहन जैरो नहीं डायमंड हेड। तो फ्रेंड्स, इस मैच को टाई होना बनता है, क्योंकि दोनों ही डायमंड हेड हैं, दोनों ही लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, और एंड में शायद इनके अटैक्स भी एक दूसरे से मेल खाते होंगे और दोनों ही विनर्स होंगे। ये ऐसी फैनल बैटल था। तो अगर फ्रेंड्स अब हम बात करें इनकी फाइट का विनर कौन होगा उसके बारे में, तो आप क्या सोचते हो कमेंट कर देना। और अगर आप किसी एक के फैन हो और मैं उसे हरा दूं तो प्लीज़ माफ़ कर देना मेरे को फ्रेंड्स। तो दरअसल मेरे हिसाब से जो विनर बनेगा वो है मैडबन, क्योंकि मैडबन आप जी मत सोचिएगा कि मैं अपने मन से हरा हूँ, इसका ही मैंने फ्रेंड्स और बेंटेन यूट्यूबर से पूछा था। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका आपको ही पता होगा, नाम नहीं ले सकता। और मैडबन ही शायद जीतना चाहिए फ्रेंड्स, आपको ही पता होगा मैडबन पावरफुल है। तो वीडियो यहीं ख़त्म होती है, आप बता देना आपको कौन पसंद है, तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, लाइक कर देना वीडियो का पसंद आया हो तो।